उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बैंक कर्मियों के द्वारा इलाहाबाद बैंक के सिविल लाइन शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद रहे। आज की हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हुए कहा कि बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए, सार्वजनिक बैंकों को सदृढ़ किया जाए, विशाल कॉर्पोरेट एनपीए की वसूली की जाए, बैंकों में पर्याप्त भर्ती भी की जाए, बैंकों के नियमित कार्यों में आउटसोर्सिंग रोकी जाए और बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, सहकारी बैंकों में डीए पेंशन योजना लागू की जाए और सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सदृढ़ बनाया जाए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला सचिव एसपी सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले बैंक विलयकरण किया तथा अब निजीकरण की ओर बढ़ रही है। आज प्रदर्शन में भारी संख्या में बैंक कर्मी मौजूद रहे। आज पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सरकार की जन विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में आज हड़ताल पर हैं। जो लेबर रिफॉर्म्स इन्होंने अभी पीछे किया है उसको लेके हड़ताल पर हैं। और आज हम बैंक के एम्प्लॉय भी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर के नीचे इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। और उसके अंदर हमारी अपनी मांगें हैं कि बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। न्यूज डेस्क INN।